तो ये भाई हनुमान चट्टी यहाँ पे स्टार्टिंग में ही है। और यहाँ पे जब हनुमान जी आराम कर रहे थे तो भीम ने पूँछ उठाने की कोशिश की थी तो उठा नहीं पाए थे। सामने है मंदिर बाबा का, ये है भाई तपत कुंड, और साइड में है अलकनंदा। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये आपका अपना चैनल वेदी व्लॉग्स और मैं हूँ आपका होस्ट यतीश वेदी। तो भाई जहाँ से शुरू ख़त्म किया था कल, आज वहीं से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और भाई हम पहुँचने वाले बद्रीनाथ कम से कम यहाँ से 40 के आसपास किलोमीटर रह रहा है। और वहाँ फिर जाके अपनी कैंपिंग भाई अपना है, मतलब सारी चीज़ें खाने पीने की घर से ही लेके चले हुए हैं। हाँ, गदड़ गदड़ करते राम, बहुत अंडरग्राउंड सा बना दिया भाई, तो कती ओपन गुफा में बद्रीनाथ बाबा दिख रही है, बस बैग छोड़ दिया कवाड़। देखो भाई, वाह यार, इसको ये फोटो लगवाने के लिए बैठा हुआ है। ओ भाई साहब, गजब यार गजब। और ये आया एक और भाई अपना, राम राम भाई साहब, राम राम भाई। हाँ, आ रहे आनंदपुरा। ये तो है पूरा। ये भाई एक और भाई अपना आ रहे, अभी आनंद फुल आनंद। और भाई वे हो रहे तो हरियो भाई मास्टर आ रहे, गुरु जी स्वाद पूरे हो रहे हैं ना, पूरे हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं ना, धक्का देने साले ना पूरे हो जाएंगे। पहाड़ आगे बीच में, अरे गवाना की जलेबी का नारा है स्वाद है भाई, एक नंबर की खराब कोने है, बढ़िया है। फटी हो रही पर गांव में कदू पे बढ़िया भाई, 4 दिन ये कहते हैं फटी हो गई, और रहूंगी ये डटा होगी, यो हवा ठंडी होगी, ठंडी है लाए दे और चाह पी ला भाई, टपरी वे शीश महल में चाह पी के चल रहे अपना। क्यों था भाई? वो मैंने फ्यूचर खातर ला रखा, अपने घर बनाऊंगा मैं, घर बनाऊंगा। हाँ, I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. ये भाई हनुमान चट्टी यहाँ पे स्टार्टिंग में ही है। और यहाँ पे जब हनुमान जी आराम कर रहे थे तो भीम ने पूँछ उठाने की कोशिश की थी तो उठा नहीं पाए थे। तो ये वही जगह है, इसे भीम चट्टी बोलते हैं। और ये लिखा भी हुआ है यहाँ, यहाँ हनुमान जी का प्राचीन स्थान है, यहाँ भीम अपने अभिमान से लज्जित हुए, किसी को तुच्छ न समझो, किसी का अपमान ना करो, किसी को अप्रिय मत समझे। तो ये है भाई वो पवन चट्टी। तो अब दर्शन कर लें हनुमान बाबा के। जाम सा लग गया, बारिश आ गई भाई, आओ तोड़ दो सारे। अरे यार को सही नम है, आज पहाड़ लीक हो रहा है, पहाड़ लीक हो गया वा, को बादल बुदल उड़ गया इन में, उड़ गया आड़े पानी टपक टपक छेद हो गया, आड़े पानी छोड़ दिया। हाँ धो लिए तू ताड़े ला के, परी की सर्विस होंगे आड़े। राम तमोसा, कुत्ती बड़ा कर लिया हुआ इधर, असल में रोड़े बस इतना ना बस अन्य पे है और अच्छा इतना लाग जाए। हाँ लाग दे, और ट्रेवल्स का ऐसे ऊपर पाव है भाई, कितना शानदार पानी दिखे यार, रोज का काम है जब भी दे। हाँ जब भी ना जान है कितना कितनी लाग ना जा जाते हैं भाई, कुकर अटका रखा, पत्थर अटक रहे हो यो पुट। स्वागत कर दिया भाई बद्रीनाथ धाम हमारा, जय बाबा जी। ये था
पैसे माँ बेबी दे दियो। 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं बद्रीनाथ अस्पताल में, एलोपैथिक हॉस्पिटल में भाई। किसी भाई ने कोई समस्या पानी हो तो अपना इलाज प्रवास के इंजेक्शन ये भी यहाँ से धर्मशाला की दिखा। हाँ यहाँ से ही भाई धर्मशाला स्टार्ट हो जाती है। हमारा नाम लोगे ना तो आपने छूट भी मिलेगी। फाइनली बद्रीनाथ में आ चुके हैं भाई, बद्रीनाथ धाम में। और अब गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं और फिर आश्रम है यहाँ भैया और के पहचान में, तो फिर वहाँ रुकते हैं। और भाई सामने दिख रहा है एक प्यारा सा झरना, बहुत भयंकर, तो वो दिखाता हूँ आपको। देखो ओ भाई बढ़िया यार, एक नंबर। और भाई ठंड होने लग गई है, अब टी शर्ट और शॉर्ट्स तो निकालने पड़े क्योंकि ठंड बढ़ने लग गई है। ये है अलकनंदा माँ जो फिर देवप्रयाग में जाके और गंगा माँ बनती है अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में। हाँ देवप्रयाग में, हाँ जहाँ अब आपने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा संगम। तो ये दो रूम लिए हैं भाई हमने, भाई बढ़िया है। मतलब एक रूम में 5 आ जाएंगे और दूसरे में 4। और भाई बहुत ठंड है, मतलब जितना बोलो उतना ठंड है। और भाई अपना जो भी आए तो भाई अपना ठंड के कपड़े जरूर ले गए, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ तो। तो अब जा रहे हैं भाई बाबा बद्री विशाल के तपत कुंड में, जहाँ एक तरफ अलकनंदा का बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है और दूसरा बिल्कुल साइड में मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है। तो ये आप कुदरत की देन कह लीजिए, बाबा बद्री विशाल का चमत्कार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए मतलब। तो भाई दिखाता हूँ आपको तपत कुंड द्वार। जय बाबा बद्री विशाल। और सामने है मंदिर बाबा का, बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे भाई हम कल, क्योंकि अब रात हो चुकी है बहुत, इसलिए हम भाई सिर्फ स्नान करेंगे। ये है भाई तपत कुंड और साइड में है अलकनंदा, इसका पानी सबसे ठंडा होता है और यहाँ का सबसे गर्म। नारायण नारायण। ये भाई विशाल बद्री धाम, तपत कुंड बनाना हो अलकनंदा बनाओगे। एक और कुंड बना रखे हैं यहाँ। बताओ भैया कुकर के ठंडा पानी है, मेरा मुंह का निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। गर्म पानी है, कितना है क्या नॉर्मल है क्या ज्यादा है? ज्यादा गर्म पानी है, सही था तब बोले। स्नान करके आए भाई, तो भाई कुदरत का करिश्मा है यार, मतलब प्रकृति के आगे से गर्म पानी आता है और फिर अलकनंदा नदी में मिलके आगे चले जाता है। और भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्म पानी था यार, मतलब हाथ से नहा रहे थे और मतलब जो बोलते हैं ना डुबकी लगा दे, डुबकी तो दूर, और डिब्बे से डायरेक्ट भी नहीं नहाया जा रहा था, बहुत गर्म पानी है। ये है भाई बाबा विशाल बद्री की मार्केट, मतलब यहाँ वही अच्छी मार्केट है भाई, क्योंकि यहाँ हमारे बैठे हैं महादेव बाबा जी। और ये है भाई बद्रीनाथ का मंदिर। 11:30 का टाइम हो रखा है भाई और ठंड बहुत बढ़ गई भाई, मतलब कमरे के और कमरा बंद करके और रजाई ओढ़ के फिर भी कमरे के अंदर मतलब ठंड लग रही है। तो भाई अपना सेफ ठंड के कपड़े लेके आए, सबसे बेस्ट चीज़ है। तो गाइस अब करते हैं भाई इस व्लॉग को एंड, तो मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, गुड नाइट, जय शंकर भगवान, जय बद्रीकाल महाराज, जय केदारनाथ धाम।